गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल चौधरी सिस्टर। तो यहाँ से भगवान जी का नाम देख के हमारी चढ़ाई चालू हो जाती है तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए। तो यहाँ से चढ़ाई स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही आप तिरुपति की चढ़ाई स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले आपको दिखता है ये मंदिर और यहाँ से एंट्रेंस है चढ़ाई के लिए। यहाँ से चढ़ाई बेसिकली स्टार्ट हो जाती है, यहाँ से सीढ़ियाँ स्टार्ट हो जाती हैं और यहाँ पे कई लोग सीढ़ियाँ पे क्या हल्दी और कुमकुम लगाती हो जाते हैं और कई लोग हर सीढ़ी पर मोमबत्ती जलाती हो जाते हैं। और फिर यहाँ पे सबसे पहले मिलता है हमें ये कृष्ण जी का मंदिर जहाँ पे गौ पूजा होती है। बेसिकली गौ पूजा होती है यहाँ पे। अगर आप किसी को भी गौ पूजा करानी है तो यहाँ पे 300 रुपये में गौ पूजा होती है। और यहाँ पे ये कृष्ण जी की मूर्ति है। और फिर ये दूसरा मंदिर है क्या बोलते हैं लक्ष्मी नारायण का। और इस मंदिर में इतनी ठंडक थी बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे मिलती हैं ये पादुकाएं भगवान जी की, जिसको सर पे रख के हम एक परिक्रमा लेते हैं और फिर वापस पादुका दे देते हैं। 3050 लेफ्ट, 500 सीढ़ी पढ़ने के चढ़ने के बाद ये है। पूरा पसीना हो गया, ऐसा लग रहा मैंने नहा लिया हो। तो फिर थोड़ी थोड़ी दूरी पर हम लोग थोड़ा थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, कुछ खाते पीते जाते हैं क्योंकि थकान बहुत ज़्यादा है और सीढ़ियाँ 4000 हैं। और सीढ़ियाँ तो ठीक है लेकिन है ना स्टेप्स, मतलब रास्ते में एक सीढ़ियाँ इतनी लंबी लंबी सीढ़ी है। 2200 सीढ़ियाँ कंप्लीट कर ली हमने, 1350 इंडियंस। यहाँ पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर मंदिर बने हैं और जो विष्णु जी के रूप हैं वो उन रूप की मूर्तियाँ लगी हुई हैं। यहाँ पे बहुत सारे खाने के स्टॉल हैं पर हम नहीं खाएंगे। हाँ और यहाँ पर है ना पत्थरों के घर बना के जाते हैं और ऐसी मान्यता भी है कि जो घर बना के जाते हैं तो वो रियल में भी घर बन जाता है। तो फिर और फिर रास्ते में हमें यहाँ पे दिखते हैं हिरन। मैंने पहली बार हिरन को देखा, बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे शायद वो लोग है ना पालते हैं हिरन को और जो भी जैसे श्रद्धालु जो भी रहते हैं जिनको कुछ खिलाना होता वो खिला भी देते हैं और ये खा भी देते हैं, बिस्किट वगैरह कुछ भी दे देते हैं इनको खाने। और यहाँ पे हमारी आधी चढ़ाई कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पे बहुत बड़ी हनुमान जी की मूर्ति है और हनुमान जी का मंदिर है। ये बीच का रास्ता है, मतलब यहाँ पे आधा रास्ता ख़त्म हो जाता है, अभी इतना जितना हमने चढ़ा उतना और चढ़ना है। और ये देखिए जो वो मंदिर दिख रहा है वहाँ जाना है अभी हमें, तो अभी बहुत सारा चलना है। और ये है ना बीच में सीढ़ियाँ भी पड़ती हैं और बीच में ऐसा रोड भी पड़ता है जाने के लिए। और फिर यहाँ पे आके हम थोड़ा सा रेस्ट करते हैं और चाय पीते हैं और कुछ खाते हैं क्योंकि 4 घंटे हो चुके थे और थकान बहुत ज़्यादा हो गई थी। अभी भी है ना 500 सीढ़ियाँ बाकी रह गई थी। और ये देखिए लोग, मतलब बच्चे इतनी फुर्ती में इतने एनर्जी के साथ चढ़ते हुए जाते हैं। और ये देखिए मैंने आपको बताया तो कुछ लोग है ना मोमबत्ती जलाते हुए भी जाते हैं सीढ़ियों पर। और यहाँ से हमारी सिर्फ 750 सीढ़ियाँ रह गई थी चढ़ने के लिए। और बस हमारी यहाँ पे चढ़ाई कंप्लीट हो जाती है फाइनली। 4000 सीढ़ियाँ चढ़ के हम ऊपर आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग चढ़ के आ जाते हैं। जब मैं पैदा हुई थी
और जैसे ही आप यहाँ पे एंटर करते हैं आपको सारा कुछ सामान मिल जाता है, आप कुछ भी खरीद सकते हैं, शैम्पू क्रीम वगैरह सब कुछ। और फिर यहाँ पे हम लोग अपना लगेज ले लेते हैं वापस और फिर हम लोग अपना रूम ढूंढने के लिए लग जाते हैं। लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि हमें एक भी रूम अवेलेबल नहीं मिला। लिटरली हमारी हालत ऐसी हो रही थी कि एक कदम भी नहीं चला जा रहा था, ऐसा लग रहा था कि बस अब बैठ जाएँ, रुक जाएँ और लेट जाएँ थोड़ा सा, क्योंकि 4 घंटे से चढ़ाई कर रहे थे और फिर सुबह से भी जब से निकले हैं तो ट्रैवल ही कर रहे हैं, ऐसे रेस्ट करने को नहीं मिला। और फिर ना हमें रूम भी नहीं मिला अवेलेबल, तो फिर हम लोग को फाइनली जो क्या बोलते हैं विश्राम गृह जिसको बोलते हैं, तो वहाँ पे फिर हम लोग रुके और फिर हम लोग ने सिर्फ नहाया और तैयार हो गए दर्शन। ये रहा विश्राम गृह और फिर हम लोग तैयार हो जाते हैं। और मैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी जाने के लिए, क्योंकि पहली बार मैं तिरुपति बालाजी जा रही हूँ। और सर वेयर इज फिर इसके बाद हमारे मोबाइल जमा हो जाते हैं, तो आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसमें मैं आपको दिखाऊंगी दर्शन के बाद वाला व्यू, मतलब दर्शन के बाद हम कैसे वापस आए और क्या किया हमने। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।